नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। हरियाणा के नूंह जिले में हुई हिंसा ने हर संवेदनशील भारतीय को झकझोर कर रख दिया है। यह अलग बात है कि जिस स्वरूप में चर्चा मणिपुर की हो रही है, वैसे नूंह की नहीं हो रही है। पहले से पुलिस द्वारा अनुमति प्राप्त और कई वर्षों से चलने वाली वार्षिक धार्मिक यात्रा को केंद्र बनाकर किए गए हमलों में अगर पुलिस कर्मियों को गोली मारी जाए, यात्रा में शामिल लोग कई घंटों तक चारों तरफ हो रही गोलाबारी एवं पत्थरबाजी के बीच मंदिर में छिपे रहने को विवश हो, रास्ता इस तरह जाम कर दिया जाए कि पुलिस बल आगे ना जा सके और केंद्र को सुरक्षा बलों को एयर ड्रॉप करना पड़े, तो इससे भयावह स्थिति नहीं हो सकती है। दरअसल लोगों के नल्हड़ स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद यात्रा गाँव सिंगार की ओर जा रही थी। अचानक नूह में खोलना मोड़ के पास लोगों के समूह ने पहले उसे घेरा, फिर पथराव करने के साथ गोलियां भी चलाई जाने लगी। इस बीच नूह अनाज मंडी स्थित साइबर क्राइम थाने पर भी हमला कर दिया गया। जब थाने पर हमले हो और पुलिस कर्मियों को जान बचानी पड़े, तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी। इसी तरह का मामला 2016 में पश्चिम बंगाल से भी आया था, जब हिंदुत्ववादी नेता कमलेश तिवारी जी ने मोहम्मद के ऊपर एक बयान दिया था, जिसको लेके पूरे देश में एक विरोध का माहौल फैल गया था। मुस्लिम जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसा ही पश्चिम बंगाल के मालदा में कालियाचक थाना क्षेत्र में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया और दंगे जैसी स्थिति वहां बन गई। वहां पे दंगे हुए और जो पुलिस थाना था उसको मुसलमानों ने आग भी लगा दी थी, क्योंकि ये जो मालदा का क्षेत्र है, मालदा में जो कालियाचक का ये पूरा क्षेत्र है, तो वहां पे जो है गौ तस्करी हो गया या फिर जो फेक करेंसी का पूरा मामला है, सबसे बड़ा सेंटर मालदा है, तो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स जो है अपराधियों के उस कालियाचक थाने पे थे। तो दंगे की आड़ में, कमलेश तिवारी की आड़ में दंगाइयों ने उस पूरे थाने को जला दिया और इस प्रकार से पूरे रिकॉर्ड को जलाने का काम उन्होंने पश्चिम बंगाल में 2016 में किया। उसी प्रकार से प्रयास यहाँ भी किया कि जिस प्रकार से अनाज मंडी स्थित साइबर क्राइम थाने पर इन्होंने हमला किया, उसमें एक गाड़ी जो है उसमें थाने में ठोक दी, फिर उसको आग लगाने का प्रयास किया। तो चूंकि जो नूह का जो क्षेत्र है, मेवात का जो क्षेत्र है, साइबर क्राइम के मामले में देश में नंबर वन पे है और पूरे रिकॉर्ड्स या फिर गौ तस्करी के रिकॉर्ड्स, गाय काटने के जो ये अपराध करते हैं उनके सारे रिकॉर्ड जो है यहाँ पे है, तो इसलिए उन्होंने उस थाने को भी जलाने का प्रयास किया। कुछ समय पहले ही हरियाणा पुलिस ने लगभग 5,000 पुलिस पर्सनल नूह के कई गांव में रेड मारती है और 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी करती है। तो पूरा कहीं ना कहीं एक तरह से सुनियोजित था कि एक पंथ दो काज हो जाए, हिंदुओं को भी चेतावनी दे दे कि हमारे क्षेत्र से इस प्रकार की यात्राएं ना निकाले, और दूसरा जो अपराधी लोग थे उनके जो अपराध जो रिकॉर्ड उनकी जो फाइल्स थी उसको भी नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि ये जो पूरा नूह का क्षेत्र है, यहाँ पे महाभारत काल के 3 बड़े बड़े शिव मंदिर हैं, जिसमें नल्हड़ का शिव मंदिर भी है। तो हुआ क्या कि जिस प्रकार से बनारस हो गया या अयोध्या हो गया, जो बनारस में ज्ञानवापी का मंदिर, अयोध्या में श्री राम का मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण जी का जो जन्मभूमि है, इस पे धीरे धीरे जो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और कई जगह ऐसा होता है कि मंदिर पे कोई आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, तो वो क्लेम कर देते हैं कि ये वहाँ कोई मजार बना देंगे, तो क्लेम कर लेंगे कि ये हमारी मस्जिद है या मजार है। तो इसी प्रकार का डर जो है हिंदू समाज को था, क्योंकि नूह में ओवरऑल 2011 की जनगणना के अनुसार जो मुसलमानों की जनसंख्या है वो 80% है और हिंदुओं की जनसंख्या 20% है, लेकिन वो आंकड़े 2011 के हैं और अब 2023 चल रहा है। और जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को भी बड़े पैमाने पर वहां बैठाया गया, बसाया गया, दिल्ली में जब रोहिंग्याओं को वहां से भगाया गया तो ये जो है नूह में आके ये लोग बसे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी जनसंख्या काफी बढ़ गई है और हिंदू जो संगठन है उनको इस बात का डर था कि धीरे धीरे ये जो महाभारत काल के मंदिर है उस पर कब्जा कर लेंगे। इसीलिए 4 साल पहले विश्व हिंदू परिषद ने एक योजना बनाई कि इस मंदिर पे भी लोग जाएंगे, उसका भी जलाभिषेक होगा और ये एक तरह से ब्रज ये जो रैली ये लोग निकालते थे। तो ये पूरी उसकी कहानी है कि क्यों वहां पे कब से ये पूरी यात्रा निकलनी शुरू हुई, मुसलमानों ने इस प्रकार से क्यों पत्थरबाजी और गोलीबारी की, उससे उनको क्या लाभ हो रहा है, 2 लाभ होता है। स्थिति या पूरे जो घटना हुई है, स्थिति इतनी विकट थी, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यात्रा में शामिल करीब 2,500 लोग मंदिर में छिप गए और उन्हें घंटों में ही बंद रहना पड़ा। नल्हड़ के शिव मंदिर में लगभग 2,500 श्रद्धालु यात्री फंसे थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे।
चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, पत्थर बरसाए जा रहे थे, नारे लग रहे थे। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने सोचा कि उपद्रव को तुरंत शांत कर लोगों को निकाला जा सकता है, लेकिन लगातार हमलावरों की संख्या और हमलों की तीक्ष्णता बढ़ती ही जा रही थी। बढ़ते खतरे को देख पुलिस ने लोगों को छोटे छोटे समूहों में निकालने का निर्णय लिया। पुलिस एक ओर कवर फायरिंग से इनका सामना करती और दूसरी ओर घेरे में लोगों को बाहर निकालती रही। वास्तव में यह राज्य के अंदर एक युद्ध की स्थिति थी। हमलावरों ने कई घंटों के लिए पूरी व्यवस्था को अपनी नियोजित हिंसा की गिरफ्त में ले लिया था। नूह से लेकर चारों तरफ कई किलोमीटर तक अगर एक ही समान हमले, आगजनी, तोड़फोड़, गोलीबारी, पत्थरबाजी आदि हो तो सीधा निष्कर्ष यही है कि लंबे समय से इसकी तैयारी की जा रही थी। लोग प्रशिक्षित किए जा रहे थे, हर संभव संसाधन जुटाए गए थे। अंदर ही अंदर प्रचार तंत्र का उपयोग करते हुए जनसंपर्क हुआ होगा। अनेक स्थानों पर तैयारी बैठकी हुई होंगी, जिसके कई सारे वीडियोस भी आए कि कई सारे जो मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया था कि सिलेंडरों के मतलब सड़क को पूरा 10-12 सिलेंडर पूरा सिलेंडर वो सड़क पे दिखा रहे थे कि हमारी क्या तैयारी है। कई जो मुसलमानों के इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो यूट्यूबर हैं या कई नेता हैं, क्लेम कर रहे थे कि आओ मेवात में आओ। एक तरह से वो चेतावनी दे रहे थे कि मेवात में तो आके दिखाओ, क्योंकि मेवात में यह स्थिति है कि साइबर क्राइम का हब है, गौ तस्करी का हब है, जो वहाँ दलित हैं या फिर और भी जो हिंदू हैं उन पर बड़े अत्याचार होते हैं। जो हिंदुओं की लड़कियाँ हैं, जिसमें विशेष करके दलित समाज की लड़कियाँ होती हैं, उन पर नियमित रूप से फप्तियाँ कसी जाती हैं, छेड़खानी की जाती है, और इस कारण उन्होंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया है। क्योंकि ये जो पूरा मेवात का क्षेत्र है राजस्थान के अलवर से लगता है और ये पूरा मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या स्थिति है। अभी कुछ समय पहले तक कोई भी हिंदू वहाँ जाने से कतराते थे, वहाँ जाते ही नहीं थे। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ कि जब मैं भी हरियाणा में था, काफ़ी समय मैंने वहाँ पर पढ़ाई की, तो मेरे साथ एक लड़का रहने के लिए आया जो कि एक ऐसी कंपनी में काम करता था जो साबुन, तेल, टूथपेस्ट वगैरह बनाती थी। तो फिर उसने कई इंटरव्यू एक जगह दिया था हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कोलगेट, पेप्सोडेंट, हेड और लक्स वगैरह इस तरह की मतलब एक सबसे बड़ी कंपनी कहा जाए तो है, FMCG है, वो बनाती है। तो उसने इंटरव्यू दिया, उसका हल में हो गया था, लेकिन उसको क्षेत्र दे रहे थे नूह, मेवात का क्षेत्र दे रहे थे, उसने वहां जाने से मना कर दिया। मैं उस समय नया नया था हरियाणा में, मैंने उससे इसका कारण पूछा कि भाई तुम्हारी सैलरी तो बढ़ा के दे रहे होंगे वो लोग, तब तो मेवात भेज रहे हैं, सैलरी भी अधिक है और एक बड़ी कंपनी भी है, तो कहे नहीं आप क्यों नहीं आप जा रहे हैं। तो उसने कहा कि वहां पे ऐसा सिस्टम है कि वहां के लोग सामान तो ले लेंगे लेकिन फिर पैसे नहीं देंगे। अब ये लोग जो मार्केटिंग करेंगे, जो MBA BBA करके जा रहे हैं, ये सामान तो बेच देंगे, लेकिन जब पैसे निकालने की बात आएगी तो वो पूरा मुस्लिम क्षेत्र है, पैसे निकाल नहीं पाएंगे, पुलिस भी वहां घुसने का साहस नहीं कर पाती है, कांग्रेस की सरकारें रही, खट्टर जी ने भी पिछले 5 वर्षों में कुछ नहीं किया, अब जाके कुछ साइबर क्राइम पे काम करना ये लोग शुरू किए थे। कुछ इनके रिकॉर्ड्स अभी मैंने बताया ना कि 5,000 पुलिस कर्मियों ने रेड मारी थी, तब जाके 100 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए थे। आप सोचिए कि पुलिस को 1-2 पुलिस या 10 पुलिस नहीं जा सकती है, 5,000 पुलिस वाले एक साथ एक टीम बना के रेड मारते हैं, तब जाके वहां पे ये संभावना है। तो हिंदुओं ने भी वहां जो है जाना छोड़ दिया था। तो इसी तरह ये जो यात्रा निकलनी शुरू हुई ब्रज जो है जलाभिषेक का, इसीलिए ये सब हुआ। तो लगता है कि हमलावरों ने पहले ही तय कर लिया था कि कानून व्यवस्था का उनके लिए कोई मायने नहीं है। जो लोग इतने व्यापक क्षेत्र में हुए भीषण हमलों के लिए बजरंग दल के प्रांत गोरक्षा प्रमुख मोनू मानेसर जी पे वीडियो को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या किसी की यात्रा में शामिल होने की घोषणा से लोगों को यात्रा, धर्मस्थलों, दुकानों, गाड़ियों आदि पर हमला करने, आग लगाने का अधिकार मिल गया? मोनू यात्रा में शामिल भी नहीं थे, अभी तक इसका कोई प्रमाण भी नहीं है कि प्रतिवर्ष निकलने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में किसी को उत्तेजित करने के लिए नारे लगाए गए। अगर गुस्सा तात्कालिक था तो इतनी संख्या में छतों पर पत्थर, पेट्रोल बम, गोली चलाने वाले हथियार आदि कहां से आ गए? एक शोरूम में 100 से अधिक बाइकों को लूट कर जो ये मुस्लिम भीड़ थी वो ले गई। इस दुस्साहस के बारे में क्या कहा जाए? क्या यह बिना किसी तैयारी के संभव था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये पूरी जो है इसकी तैयारी कई हफ्तों से की जा रही थी,
छतों पे पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे और पूरी प्लानिंग की गई थी कि किस प्रकार से हम इस पूरे एरिया को घेरेंगे ताकि जो पुलिस यदि सहयोग करना चाहे तो वो भी ना पहुंच पाए। इसीलिए जो केंद्र सरकार से जो सिक्योरिटी भेजी गई उनको एयर ड्रॉप करना पड़ा और ये पूरी साजिश थी कि किस प्रकार से इधर हम हमला करेंगे, फिर साइबर पुलिस थाना है उसको भी जला डालेंगे। और उसके बाद आप देखिए इतना सब होने के बाद भी जिसमें 6 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, 100-150 से 200 गाड़ियों को जला दिया गया, तो उसमें घायलों का जब उपचार एक चिकित्सालय में किया जा रहा था तो मुसलमानों की 50-60 लोगों की भीड़ वहां पहुंचती है और ये चुनती है हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, डॉक्टर में कौन हिंदू मुस्लिम है, जो मरीज है उसमें कौन हिंदू मुस्लिम है, मुसलमानों को छोड़ के हिंदुओं को चुन चुन के पीटा जाता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये सुनियोजित नहीं था या फिर इसको धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए, उनके मुंह पे ये फैक्ट्स तमाचा हैं कि यदि ये धार्मिक रंग से ना दिया जाए तो कौन सा रंग दिया जाए, क्यों फिर वो हिंदू मुस्लिम को, मतलब कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि हिंदू भी मान लीजिए कभी इस तरह के दंगे हो, या जैसे अभी हुआ कि भाई मतलब कि मुसलमान एक तरफ थे हिंदू एक तरफ थे, लेकिन हिंदुओं की तरफ से आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो मुसलमानों पे महिलाओं पे अत्याचार करें, बच्चों पे अत्याचार करें या फिर जो घायल हो उनके साथ इस प्रकार का अत्याचार करें। एक इसी तरह का जो सीन है द केरला स्टोरी में दिखाया गया था कि किस प्रकार से वहाँ हिंदू और मुस्लिम को देखा जाता है या अफगानिस्तान में इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये सब रियल फैक्ट्स ही होते हैं जो पिक्चरों में आते हैं और जो वामपंथी जिहादी जो लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो प्रोपेगेंडा है। फिर से आते हैं इसी ये जो घटना हुई है नूह में उसमें मारे, ये जो पूरी घटना हुई इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरियाणा का पुलिस प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह तो खड़े होते ही हैं कि भाई अब जैसे जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि जो ये लोग यात्रा निकाल रहे हैं ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा उसमें कितने लोग आएंगे, हमको सही जानकारी नहीं दी गई। तो ठीक है मान लीजिए आपको बोला कि 2000 लोग या 3000 लोग आ रहे हैं, 4000 लोग आ गए, तो आपको ये नहीं पता था, आप जिम्मेदारी जो डाल रहे हैं वो हिंदू पक्ष पे डाल रहे हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए था कि जो मुस्लिम पक्ष है वो अपने घरों पे पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, बंदूक इकट्ठे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे धमकियां चल रही हैं कि आओ कभी मेवात में आके दिखाओ, मोनू मानेसर आके दिखाओ, और कई सारे वीडियोज हैं, इवन वहाँ के MLA तक इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए था पुलिस प्रशासन की इसमें गलती है। गलती देखा जाए तो मुसलमानों की है कि जहाँ भी इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है इस प्रकार की घटनाएं आम हो जाती हैं, लोग कह देंगे कि कपिल मिश्रा के कारण हो गया, फिर कह देंगे मोनू मानेसर के कारण हो गया, फिर कह देंगे नुपुर शर्मा के कारण हो गया, तो भैया स्वीडन में तो नुपुर शर्मा नहीं है, लंदन में तो नुपुर शर्मा नहीं है, सीरिया में तो नहीं है, ये मतलब इनका इनबिल्ट सिस्टम है कि जहाँ रहेंगे ये इनको चाहिए ही चाहिए। जैसे कि जो सुअर होता है उसमें उसको जो है बारिश हो जाए तो कीचड़ में लौटने का स्वाभाविक उसकी इच्छा होती है, वैसे इन मुसलमानों की स्वाभाविक इच्छा होती है कि जहाँ भी ये लोग अधिक हो जाए तो जब तक दंगे उनके ना हो, मारपीट ना हो, बंगे उनके ना चले, तब तक इनको फीलिंग नहीं आती होगी कि हाँ हाँ हम मुसलमान हैं। तो ये होता ही है और जहाँ जहाँ इनकी संख्या बढ़ी, चाहे फ्रांस में देख लीजिए, फ्रांस में जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ रही है, मस्जिदों की संख्या बढ़ रही है, मदरसों की संख्या बढ़ रही है, फ्रांस में दिख रहा है कि फ्रांस किस प्रकार से अराजकता की आग में झुलसता जा रहा है। अभी फ्रांस में दंगे हुए एक मुस्लिम लड़के को जिस प्रकार से पुलिस ने रोका, उसके ऊपर ये था कि वो घुसपैठिया भी हो सकता है या शरणार्थी हो सकता है, कुछ एक नियम कानून था कि आप इस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, ID दिखाने के लिए पुलिस ने बोला, उसने नहीं दिखाई तो पुलिस ने मारपीट की, उसे गिरफ्तार किया। लेकिन फिर उस प्रकार से फ्रांस को इस प्रकार से जला देना, बड़े बड़े उनके जो लाइब्रेरीज है जला देना, एफिल टावर के पास नुकसान पहुंचाना, ऐसा तो हर जगह होता है, हिंदुओं में भी कई जगह होता है कि मार देते हैं किसी को, पुलिस वाले कहीं ज्यादती कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोई शहर का शहर तो ना हिंदू जलाते हैं, ना क्रिश्चियन जलाते हैं, ना बौद्ध जलाते हैं, लेकिन मुसलमान जो है एक बहाना ढूंढते रहते हैं, वो जलाने के लिए जलने जलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उन्हें बस एक बहाना चाहिए आग लगाने के लिए, और इस तरह से वो फ्रांस में भी करते हैं, स्वीडन में भी करते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए। अभी तमिलनाडु में आपने देखा होगा वहाँ पे जो DMK सरकार के सहयोगी लोग हैं उन्होंने मणिपुर में जो ये घटना हुई थी उसको लेके सीता जी और राम और लक्ष्मण जी को लेके एक बहुत ही विवादित चित्र बनाया और पोस्टर बनाया उसको दिखाया, और इस प्रकार से तो पूरा तमिलनाडु जल जाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया, निंदा की, लेकिन ऐसा जलाया तो नहीं,
लेकिन इनका तो मोहम्मद के बारे में भी सोशल मीडिया पे कह दो तो कर्नाटक में दंगे हो जाते हैं, एमएलए तक के घर जला दिए जाते हैं। तो ये इनबिल्ट है, इनको जो इनका जो उपचार है योगी जी ही जानते हैं अच्छे से कि भाई तुम दंगे करोगे तो तुम्हारे साथ घुसते भी पछताएंगे कि क्यों भाई पत्थर उठाए थे। तो जो इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की जो कमी तो है ही, कि जब प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि जब एक पक्ष की हिंसा की इतनी तैयारी थी और पुलिस को भनक तक क्यों नहीं लगी, जबकि पुलिस से अनुमति लेकर यात्रा निकाली गई। इसे सुरक्षा देना पुलिस का दायित्व था। घटना के बाद हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। हिंसक क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित रखने और उनके अंदर से भय निकालने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। वैसे पहले से ही शासन प्रशासन पर उस क्षेत्र में खतरे की अनदेखी करने का आरोप लगता रहा है। पूर्व में ऐसी अनेक छोटी छोटी घटनाएं हुई जो सरकारों को चेतावनी देने के लिए पर्याप्त थी। लगता है जैसे पुलिस के लिए मेवात क्षेत्र में चल रही मजहबी कट्टरपंथी गतिविधियों से कोई लेना देना ही ना रहा हो। अगर पहले से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती तो साजिश रचने वाले पकड़ में आ जाते एवं हथियार, पत्थर, डंडे आदि भी जब्त होते। हालांकि इससे देश में जड़ जमा चुके मजहबी कट्टरपंथ और दूसरे धर्म के विरुद्ध हिंसा की तैयारी के सर्व प्रमुख पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या भारत में सामान्य धार्मिक उत्सव या यात्राएं सुरक्षा घेरे में आयोजित होती रहेंगी? पुलिस नहीं तो क्या हम सामूहिक धार्मिक क्रियाकलाप भी नहीं कर सकते? हमने केवल शोभा यात्रा तक तो सीमित ही नहीं रहे, कई कई किलोमीटर तक जगह जगह पर हुए हमले, वाहनों को क्षतिग्रस्त करना, सड़कों को बाधित करना या धर्म स्थलों को निशाना बनाना आदि साबित करते हैं कि षड्यंत्रकारियों का लक्ष्य कुछ और ही था। यदि इसे भीड़ की हिंसा मान केवल कुछ लोगों को पकड़कर खानापूर्ति की गई तो खतरा ज्यादा बढ़ेगा। यह योजना बनाकर हमला करने का मामला है। ऐसे लोग किसी भी मजहब के होने सजा न देने का अर्थ होगा ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। ऐसा नहीं होने से इसके विरुद्ध प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। लोगों के गुस्से को खत्म करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस तरह के हमले और हिंसा की प्रवृत्ति देश के दूसरे राज्यों में भी दिख रही है। इसलिए छानबीन का दायित्व NIA अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देना चाहिए। और जिस प्रकार से घटना हुई, BHP के जो रैली वो निकाल रहे थे हिंदुओं के लिए उस पर हट हुई, तो इसका जो है रिटेलिएशन भी हो सकता है। और अभी जो BHP के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा भी है कि इसी सावन के महीने में ये जो पूरा ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा है, रैली है, हम इसे पूरा करेंगे, क्योंकि यह यात्रा जो है जिहादियों ने खंडित कर दी, यात्रा को उन्होंने पूरा नहीं होने दिया। लेकिन अब बोल रहे हैं कि हम इसी सावन महीने में ये जो यात्रा है इसे पूरा करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है कि इसे पूरा करना भी चाहिए। और इस बार यदि पुलिस प्रशासन की कोई कमी रहती है तो जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं उन्हें ही पूरी तैयारी से जाना चाहिए। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग तो करेगा ही, लेकिन यह भी एक विचारणीय विषय है कि भारत जैसे देश में जो कि हिंदुओं के लिए एकमात्र देश है, वहां हिंदू अपना कोई शोभा यात्रा निकालना हो या कोई भी धार्मिक यात्रा करना हो तो उसे पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी में करना पड़ रहा है। चाहे वो इस प्रकार की यात्राएं हो, चाहे रामनवमी की यात्रा हो, चाहे सरस्वती पूजा में हो, सब जगह इस प्रकार की घटना में लगातार मुसलमान इसको जो है टारगेट कर रहे हैं, या जो अमरनाथ की यात्रा हो कश्मीर में, वहां भी इस तरह से होता रहता है। तो इनका सबसे अच्छा उपचार है जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि यदि एक भी अमरनाथ यात्री पर हमला हुआ तो जो मक्का मदीना के लिए फ्लाइट जाती है मुंबई से, वो पूरी की पूरी फ्लाइट उड़ा दी जाएगी और यहाँ से कोई भी मक्का मदीना के लिए मुस्लिम नहीं जा पाएगा। तो उस प्रकार का करना चाहिए कि यदि आप कर रहे हैं तो कुछ रिटेलिएशन होगा, तभी ये लोग मानेंगे कि आप हमारे एक धार्मिक यात्रा पर लोग रोक लगा रहे हैं तो हम आपके ईद और जो मुहर्रम आप निकलते हैं पूरी तरह से उसे बंद कर देंगे। लेकिन हिंदुओं में सहिष्णुता कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, हिंदू क्षेत्र में चाहे 90% हिंदू हो, चाहे 99% हिंदू हो, मुसलमान जो है बड़े आराम से अपनी यात्राएं निकालते हैं, अपनी रैलियां निकालते हैं, हम उन्हें परेशान नहीं करते हैं। लेकिन हम जब भी निकालते हैं उन्हें फर्क पड़ता है, अल्लाह हू अकबर नारे लगाने लगते हैं, उन्हें DJ से प्रॉब्लम होने लगती है। ये देश के नागरिकों को समझने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है। अपने घरों में बैठने से काम नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग भी शस्त्र उठा लीजिए, लेकिन तैयार रहने की आवश्यकता है। संगठन बनाइए या फिर जो संगठन पहले से है उसे ज्वाइन कीजिए। सुबह उठिए, शारीरिक
तैयारी भी रखिए, मानसिक तैयारी भी रखिए और सही चीज़ों को पढ़िए। जो बॉलीवुड देख के जो आपके दिमाग में कचड़ा भरा जा रहा है उससे बचिए, बॉलीवुड को देखने थोड़ा कम कीजिए और अपने बच्चों को भी बताइए, बचाइए। क्योंकि यदि मेंटली तैयार होंगे तो फिजिकली उनको काउंटर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये जो जितने भी मुस्लिम आज भारत में हैं वो सब अधिकतर कन्वर्ट हैं, उनके पूर्वज आप कायर ही उन्हें कह लीजिए कि वो कन्वर्ट हो गए। और जो हिंदू सनातनी अभी भारत में बचे हुए हैं वो वीरों की संतान है। कि इतनी सारी जो मतलब कि हवा प्रतिकूल थी लेकिन फिर भी हमारे पूर्वज जो है धर्मांतरित नहीं हुए, उन्होंने इस्लाम या ईसाइयत नहीं अपनाई, तो हम कहीं ना कहीं वीरों की संतान हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये कायरों की संतान है, एक बार कोई हिंदू ललकार देगा तो ये पैंट में गीला कर देते हैं। तो इसलिए जो है मेंटली प्रिपेयर होने की आवश्यकता है। शारीरिक रूप से तो हम इन पे बिल्कुल भारी पड़ते हैं, और ये क्योंकि ब्लड में है ना, इनके ब्लड में कायरता है, इनके ब्लड में है। जब भी ये कोई भी हमला करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भीड़ में आते हैं, एकदम भीड़ से निकल के आती है। यहाँ भी जिस प्रकार से जो पूरी यात्रा चल रही थी एक शांतिपूर्वक चल रही थी, लेकिन फिर इस प्रकार से इन्होंने भीड़ आई और मतलब कि काफी भीड़ इनकी आई, तब जो है हिंदू पक्ष जो पीछे भागा, क्योंकि वो उनके साथ महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, वो इस प्रकार की तैयारी में नहीं थे कि इस प्रकार की तैयारी के साथ मुस्लिम आक्रमण करेंगे। फिर इसलिए उन्हें जो है मंदिर में छिपना पड़ा। और मुसलमान तो इस ताक में थे कि अंधेरा हो जाए, कुछ अभी कपड़े भी मिले हैं महिलाओं के, तो ऐसा भी हो सकता है कि बलात्कार की भी घटना है, क्योंकि कई सारी महिलाएं जो हैं अभी भी लापता है। तो कुल मिला के यही बात है, संगठित होने की आवश्यकता है और तैयार रहने की आवश्यकता है, नहीं तो इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जाएंगी और बढ़ ही रही हैं पूरे देश में। लेकिन फिर भी यदि हम संगठित हो गए, हम संभल गए, हमारे बच्चे संभल गए, तो ये जो विपदा है, ये जो खतरा मंडरा रहा है भारत पे, भारत की सभ्यता पे, हिंदुओं पे, वो टल जाएगा और भारत फिर से परम वैभव को प्राप्त करेगा। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।